तो गाइस अगर इस वीडियो को आप लोग शेयर चैट पे देख रहे हो तो गाइस यहां पे आपको YouTube का बटन दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करके देखो। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एडिटर। सो गाइस आज की इस अमेजिंग सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपनी फोटो, आप लोग कैसे ब्लू टोन बटरफ्लाई एडिट कर सकते हो, मतलब ब्लू टोन का जो बटरफ्लाई है आप देख सकते हो, ऐसी फ़ोटो आप कैसे एडिट कर सकते हो। फोटो कुछ ऐसी थी, मैंने उसमें कलर ग्रेडिंग और कुछ PNGs को लगा के फोटो को कुछ ऐसा बना दिया, तो आप लोग भी ऐसा बना सकते हो बहुत आसानी से। तो गाइस आप लोग कैसे बनाओगे इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, गंदा लगा तो डिसलाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, इससे मेरी नई नई एडिटिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, और गाइस मैं बता दूं कि जो जो PNGs और बटरफ्लाई जो भी मैं कलर ग्रेडिंग और प्रीसेट का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दोगे तो आप कलर ग्रेडिंग कर लोगे, क्योंकि कलर ग्रेडिंग बहुत हार्ड होती है। तो गाइस जो भी PNGs मैं इसमें यूज़ करने वाला, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट। तो गाइस मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, फोटो कुछ ऐसी थी उसको मैंने ऐसा कर दिया। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो फोटो एडिटिंग में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे मैं सबसे पहले पिक्सआर्ट में आना होगा, इस पिक्सआर्ट में आ जाने के बाद मैं उस फोटो को ऐड कर देता हूँ वहाँ से। गाइस वो मेरी ये फ़ोटो है, मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, अपना फ़ोन ऐसा कर लेता हूँ। गाइस मैंने इस फ़ोटो को ऐड कर लिया है, तो गाइस यहाँ तो फोटो फटी नहीं है ज़रा भी। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी ऑसम सी फ़ोटो है, आप लोग भी ऐसा बैठ के कहीं पे क्लिक करा के आप लोग ऐसी फ़ोटो का एडिट कर सकते हो। मैंने नीरज भाई की फ़ोटो लिया है, आप लोग अपनी फ़ोटो ले सकते हो। गाइस आपको ऐड फ़ोटो में आना होगा, ऐड फोटो में आने के बाद मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसकी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसका हम ब्लेंड मोड चेंज करके देखते हैं, स्क्रीन मल्टीप्लाई डार्क एंड ऐड। अगर स्क्रीन सही लग रहा है तो नॉर्मल ही रहने देते हैं, स्क्रीन सही लग रहा है तो इसको हम ऐसा लगा देते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके से। अगर लाइटनिंग सही लग रहा है, आप देख सकते हो कितना ऑसम सा फेस आ रहा है इसमें लाइटनिंग में, मैं तो नॉर्मली रहने दो। ठीक है, हम स्क्रीन रख रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे हम इसको अच्छे से बराबर से सेट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट मारता हूँ इसे, एंड जिसमें इसको रोटेट करता हूँ ऐसे, इसका ब्लेंड मोड में चेंज कर देता हूँ, लाइटनिंग सही रहेगा। ऐड फोटो में आपको पूरा टोटल सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ऐसे डाउनलोड कर सकते हो इसे। कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ, ब्लेंड मोड चेंज करते हैं हम इसे, स्क्रीन स्क्रीन सब पे रख लेते हैं, उस पर भी स्क्रीन रखते हैं हम। इरेज में जाके मैं इसे इरेज कर देता हूँ जो कि मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे लगा दिया कुछ ऐसे। आप लोग भी लगा सकते हो गाइस, आपको ऐसे लगाना है। ऐड फोटो में आके मैं से ऐड करता हूँ वापस से, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड चेंज। थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा लगा देता हूँ गाइस यहाँ पे, इसे मैं ऐसे लगा देता हूँ। गाइस कुछ ऐसा लगा देने के बाद मैं डन करता हूँ यहाँ से, और मैं वापस ऐड फोटो में आके उस फोटो को वापस से ऐड कर लेता हूँ, वापस से उस PNG को ऐड कर लेता हूँ जो मुझे यहाँ पे लगाना है। इसे ऐड करके इसका ब्लेंड मोड स्क्रीन करता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ, और मैं वापस से डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ से।
लेयर पे क्लिक करके डुप्लीकेट करूँगा एंड जस्ट मैं अगर ये भी थोड़े से लगा देता हूँ। आप लोग को चाहिए आप लोग लगा सकते हो, मैं ही नहीं लगाता हूँ, बस हो गया मेरे को इतना। मैं डन करता हूँ यहाँ से। डन कर लेने के बाद अभी हमें आता है मेन चीज़ जो कि हमारी शेडो होगी, हमें उसे लगाना होगा। तो आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका ब्लेंड मोड ऐड पे रखेंगे, ऐड पे रखेंगे और मैं इसे लगाता हूँ कुछ यहाँ पे, और मैं इसकी ऑपोसिटी को डिक्रीज करता हूँ थोड़ा। गाइस मैं इधर डुप्लीकेट करता हूँ इसे, बस मैं इसे भी यहाँ पे लगा देता हूँ। वापस इसको करता हूँ डुप्लीकेट और उसकी ऑपोसिटी ज़्यादा रख के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इससे ऐसा लगा कि वहाँ पे भी एक बटरफ्लाई है, इसे वापस डुप्लीकेट करते हैं हम। मैं इसे यहाँ पे भी लगा देता हूँ, इसे वापस डुप्लीकेट करते हैं। हमें ये सबसे ज़्यादा लगाना होगा इससे हमारी फ़ोटो में। इसकी ऑपोसिटी कम करता हूँ मैं थोड़ा, इससे क्या होगा हमारी फ़ोटो में थोड़ा रियलिस्टिक लुक आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा फेस के पास लगा देता हूँ। डुप्लीकेट करते हैं हम इसे, थोड़ा यहाँ पे लगा देता हूँ। वापस डुप्लीकेट करते हैं इसे, थोड़ा यहाँ पे लगा देता हूँ। इसकी ऑपोसिटी थोड़ी डिक्रीज, गाइस देख सकते हो कितने अच्छे से बैठ चुका है। मैं डन पे दबाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो गाइस आपको कुछ ऐसे ऐड कर लेना है उसे, ये सब कर लेने के बाद हमें डन कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम एक और एक PNG लगाएंगे क्योंकि होगा पार्टिकल का PNG। इसका ब्लेंड मोड चेंज करते हैं सबसे पहले, स्क्रीन ऐड रखते हैं इसका हम लोग। मैं कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ इसे, डन दबाता हूँ। सॉरी ऐड फोटो पे वापस आता हूँ मैं, इस ऐड फोटो में आता हूँ। एक और एक PNG हम लेंगे, इसमें यूज़ करेंगे। तब हम ब्लेंड मोड चेंज करते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं, डन दबाते। तो गाइस यहाँ पे हमारी ये हो चुका है, आप लोग चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो उसे। गाइस ये सब हम करेंगे अब पिक्सआर्ट में, सॉरी लाइट रूम में। वैसे आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से लगा दिया है। वैसे यहाँ पे मैं इसके शूज़ पे भी थोड़ा सा शेडो डालना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसे कुछ इस तरीके से, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा करता हूँ इसे। इसका ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ पहले, तो ऐड ओपोसिटी कम करता हूँ इसकी मैं। उसके पास थोड़ा सा रख देता हूँ, गैस थोड़ा पीछे से भी आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट और मैं यहाँ पर थोड़ा सा लगा देता हूँ इसको बड़ा करके। बस इतना कर लेने के बाद मैं डन करता हूँ यहाँ से। डन कर लेने के बाद इस फ़ोटो को हम कर लेंगे सेव। इस फ़ोटो को सेव कर लेने के बाद गैस मैंने आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहूँगा जो कि होगा हमारे प्रीसेट का लिंक, आप लोग वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हो उसे। तो गाइस उसके बाद हमें आना होगा लाइट रूम में और हमें उधर से फ़ोटो को ऐड कर देना होगा जो हमने अभी एडिट किया है। तो उसे ऐड कर देने के बाद मैं आपको जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा वो होगा ये, तो तौकीर भाई ने एडिट किया था। तो आपको क्या करना होगा, कॉपी सेटिंग करना होगा, यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके डन दबाना होगा ऊपर से। तो इसे कर लेने के बाद हम वापस हमारी फ़ोटो में आते हैं और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं पेस्ट। तो गाइस अब देख सकते हो कितनी ऑसम सी एक एक क्लिक में आ गई है। तो गाइस ऐसे होता है। अब हमें क्या करना होगा, हमें हमारे फेस को थोड़ा सा ग्लो करना होगा, तो हम इस पर आते हैं। बस मैं ड्रॉ टूल पे क्लिक करके मैं अपने पहले तो हाथ पे कर लेता हूँ थोड़ा। हाथों पे थोड़ा हमें अपना और फेस बढ़ाना है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। आप लोग कोई और टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ से मैं ड्रॉ टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और
रहा है तो पे यहाँ पे भी कर देता हूँ। एंड बस उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो बस ये कर लेने के बाद मैं यहाँ से आ जाता हूँ अपने इसमें और मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। फिर मैं वापस इसमें आता हूँ, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सेट कर देता हूँ। इसका भी एक्सपोजर इंक्रीज़ करते हैं हम थोड़ा सा एंड क्लैरिटी इंक्रीज़ करते हैं। टेक्सचर देखते हैं गाइस, टेक्सचर को इंक्रीज़ रखते हैं हम इसे भी थोड़ा इंक्रीज़ रखते हैं। सब आते हैं हम डन, यहाँ से हम कर देते डन। और आप देख सकते हो कितनी ऑसम सी हो गई हमारी फ़ोटो, बस कैसे थी और हमने कैसे कर दिया ऐसे। आप लोग चाहो तो इसमें थोड़ी सी छेड़खानी और कर सकते हो। शॉपिंग में आते हैं, थोड़ा शॉपिंग इंक्रीज़ कर देते हैं, कलर नॉइज़ रेडिएशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। बस अब हमारी फ़ोटो परफेक्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो कितना ऑसम सा इफेक्ट आ गया हमारी फ़ोटो में। तो गाइस बस आज का इस वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, गंदा लगा तो बस लाइक कर देना, रिकॉर्ड पे क्लिक करके हम सेव कर लेते हैं। और गाइस यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल भी कर देना, मेरी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।